हेलो एंड वेलकम बैक नमस्कार तो कैसे हैं आप सभी लोग ये सवाल काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है कि 2025 में क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस होने वाले हैं नीट की परीक्षा में क्या ये ऑनलाइन होगी क्या ये ऑफलाइन होगी क्या सिलेबस डिलीटेड है क्या सिलेबस एडिड है क्या डिफिकल्टी लेवल होगा सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ कि जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है इस पर कई वीडियोज में इंटरनेट पर देख रहा हूँ कई सारी इंफॉर्मेशन कई सारी मिस आ रही है बट द फैक्ट इज अभी तक कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अथॉरिटी से नहीं आई है जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जो डिस्कशन हुए थे उसके बेसिस पे जो सजेशंस निकले हैं जो आर्टिकल्स आए हैं जो गवर्नमेंट को और एनटीए को सजेशंस दिए गए हैं कि आप ऐसा कीजिए कमिटी बनाइए दो टायर में कीजिए पूरी एग्जामिनेशन को उसके बेसिस पे ये सारी बातें कुछ टीचर्स और कुछ इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं तो इस पर मैं आपको पूरी रियलिटी बताता हूँ कि क्या चल रहा है सबसे पहले जितनी भी बातें आपने अभी तक सुनी जितनी भी बातें अभी तक आपने किसी भी चैनल पे देखी हैं वो सारी एक तरह से गट फीलिंग वाली बातें जो कि सही है मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ कि अगर किसी टीचर ने या किसी इन्फ्लुएंसर ने आपको ये कहा है कि नीट 2025 में ऐसा ऐसा होगा एक ऑनलाइन पेपर होगा एक पेन पेपर पेपर होगा और उसके बाद सब लोग कहते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि नाइन्टी है वो सही बात है बट द पॉइंट इज दैट यू हैव टू रियलाइज कि इस पर कोई ऑफिशियल अभी तक स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है सेकेंड थिंग इज कि ऐसी क्यों बातें आ रही है ये पैटर्न चेंज होने की बातें क्यों आ रही है क्यों एग्जैक्टली exactly जैसा अभी तक चलता आया है वैसा चलता जाएगा ये हमें मुश्किल लग रहा है इसकी सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन जो है वो आपको पता है और वो है इस बार की जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई इस बार का जो क्रिटिसिजम हुआ जो तो जो पूरी मास लेवल पे आपने देखा कि ये जो पूरी भसड़ हुई है और जितना क्रिटिसिज्म एनटीए और गवर्नमेंट का हुआ है इट इज़ वेरी क्लियर कि यदि अथॉरिटीज़ को अपनी इज्जत बनाए रखनी है सोसाइटी में इन स्टूडेंट फ्रेटर्निटी इफ दे हैव टू बी अलाइव इफ दे हैव टू बी इन दी अथोरिटिव पोजिशन तो उनको अगले साल यानी 2025 में अपनी गलतियां सुधारनी पड़ेंगी दूसरा सवाल ये उठता है कि सर हमको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट फील हो रहा है क्योंकि हमें ऐसा फील हो रहा है कि अब जो है सिर्फ जिस व्यक्ति के पास पैसा या पावर है वही मेडिकल एग्जामिनेशन में भी सीट हासिल कर लेगा तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है दिस इज नॉट द फैक्ट क्योंकि आप ये समझिए कि जर्नी सिर्फ मेडिकल कॉलेज में एंटर होने पे खत्म नहीं हो जाती जैसे मैं इंजीनियरिंग के बेसिस पे बताऊं कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था हमारे कॉलेज में एंटर होने के लिए एम का टॉप मोस्ट कॉलेज इसमें एंटर होने के लिए एक एग्जामिनेशन होती थी वो आपको क्लियर करनी है वो एग्जामिनेशन आपने क्लियर करी लेकिन उसके अलावा कुछ कोटाज होते थे कुछ एनआरआई कोटा होते थे और कुछ ऐसी स्पेशल एंट्रीज होती थी जो कि मतलब दे फाइंड सम लूप होल एंड दे गिव एडमिशन टू सम ऑफ द स्टूडेंट्स जैसे कि एक डिप्लोमा कोटा होता है कि अगर आप इंजीनियरिंग में डिप्लोमा बेसिस से आते हैं डिप्लोमा बैकग्राउंड से आते हैं तो आप किसी तरीके से मैकेनिकल या तो सिविल या इलेक्ट्रॉनिक्स में एंटर कर सकते हैं एनआरआई कोटा होता है जिसमें फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई होता है लेकिन आप पैसा देके उसी कॉलेज में जैसे मेरा बता तो मेरा बताऊं तो जो मार्क्स मार्क्स था मेरे से से आधे से भी कम मार्क्स पे बच्चे मेरे साथ मेरी क्लासरूम में बैठे हुए थे बट इन द लॉन्गर रन दिस मेक्स नो डिफरेंस आज मुझे लगता है कि उन्होंने तो बेवकूफी कर दी कि जो सीट मैंने एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी में हासिल करी मतलब मेरी फीस के कम से कम बीस गुना उनकी फीस थी एन आर आई कोटे की और वही पैसा अगर वो बचा के रखते तो उनको पाँच दस साल बाद काफ़ी ज़्यादा काम आता और मैंने ऐसा समझता हूँ कि अपनी मेहनत से उतना पैसा डे वन पे कमा लिया था क्योंकि मैंने एक अच्छी सीट हासिल करी अब दूसरी बात ये है कि आपको ऐसा लगेगा कि सर लेकिन हमारी फाइट तो कॉलेज में एंटर होने की है कॉलेज में एंटर हम इतनी मेहनत से नहीं हो पा रहे और कोई दूसरा व्यक्ति आके पैसा दे चला जाता है इट्स एग्जैक्ट पिक्चर दैट यू आर ऑब्जर्विंग पॉइंट ये है कि आप अपना टारगेट थोड़ा और हाई सेट करो यू मेक श्योर कि आप किसी तरह से गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ यह भी रियालिटी है कि गवर्नमेंट कॉलेज फिर वो कौन सा है उन्नीस है या बीस से, से फर्क नहीं पड़ता है समझना मेरी बात कि अगर आप आपका टारगेट था कि नहीं मुझे तो जो है के ई एम में जाना था या तो मौलाना आजाद में जाना था या तो इंदौर के एम जी एम कॉलेज में जाना था या तो एम्स डेली में जाना था मुझे एम्स ऋषिकेश मिल रहा है ऑनेस्टली इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है आपको शायद बहुत अजीब बात लगेगी कि सर हमारा तो ड्रीम कॉलेज होता है यार हम तो उस कॉलेज को देखते हुए तैयारी शुरू कर रहे हैं लेकिन फैक्ट बता रहा हूं कि एक बार आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले गए 19-20 का फर्क पड़ता है भाई फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक पोस्ट ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट्स हैं उनसे जब मैं बात करता हूँ वो यही बोलते हैं कि सर मोस्टली तो जो है ना खुद ही पढ़ना पड़ता है मतलब टीचर आते हैं उनका 10-20 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है लेकिन बाकी हम खुद ही पढ़ते हैं उनसे कई बार डाउट्स पूछते हैं सीनियर्स से काफ़ी हमको हेल्प मिलती है सीनियर्स से हम बना के रखते हैं तो इट्स दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट तो स्टॉप पैनिकिंग आपको पैनिक नहीं करना है इस चीज़ को लेके दूसरी बात कि इन बातों को लेके आपको अपना टारगेट डाइल्यूट नहीं करना है आपको ये नहीं करना है कि यार दुनिया बेकार है सिस्टम बेकार है ये बुरा है वो बुरा है इतने हम सिनिकल हो जाए इंग्लिश में एक वर्ड है सिनिकल हम इतने सीनिकल हो जाए मतलब हिंदी का एग्जैक्ट इसका वर्ड मुझे समझ नहीं आ रहा मतलब हम इतने निराशावादी हो जाएं कि हमें बिल्कुल सब व्यर्थ लगने लगे हमारी इच्छा ही नहीं हो काम करने की ये गलत है फिर ये चीज़ ना टेंडेंसी डेवलप होती जाएगी क्योंकि यार देखो करप्शन हर जगह इसको खत्म किया जाएगा और आप और हम मिलके हम है ना नई जनरेशन हम लोग मिल खत्म करेंगे समय लगेगा लेकिन होगा एक मूवी का डायलॉग था ना कोई भी नेशन या कोई भी सिस्टम परफेक्ट होता नहीं उसको बनाना पड़ता है तो आप और हम मिलकर बनाएंगे लेकिन उसके लिए पॉइंट ये कि जो टारगेट आपने सेट किया उससे भटको मत भटकाने वाले हजार हैं डेली के माहौल टाइट है यार माहौल अजीब है आज की तारीख में लोग आके अजीब अजीब चीजें बता रहे हैं बच्चों को बरगला रहे हैं उनको पैनिक कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ व्यूज गलत है मैं ऑनेस्ट बातें बता रहा हूँ और जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ ठीक तो सबसे पहली बात कि जो कंट्रोवर्सीज और क्रिटिसिज्म हुआ है उसका इंपैक्ट पड़ेगा आप मान के चलिए कि अगले साल आपको एक प्रॉपर एग्जामिनेशन प्रॉपर कंडक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन और प्रॉपर रिजल्ट देखने को मिलेगा ये मुझको गट फील आ रही है दूसरी बात कि हाँ जैसे आपने कुछ वीडियोस देखे और अभी भी मैं कह रहा हूं कि इस पर ऑफिशियल कोई अभी तक फाइनल अनाउंसमेंट नहीं आया है कि ऐसा ही होगा लेकिन हाँ ऐसा होने की बहुत फेयर संभावनाएं हैं कि जो पूरे 26 लाख बच्चों का पेपर है इसको एक बार में ना कंडक्ट करवा के दो बार में कंडक्ट करवाएं और ये मॉडल है जी डब्लू का जैसा कि करवाया जाता है मेन्स में है ना आई का भी पहले यही मॉडल था आज से दस साल पहले का आई का मॉडल देखें तो वहाँ पे पहले ए आई ट्रिपल ही होती थी उसका रीज़न ये था सोल पर्पज़ ये था कि जो इतना बड़ा अमाउंट है बच्चों का इसको हम लोग कट शॉर्ट करें उस समय पे आठ लाख बच्चे होते थे छः से आठ लाख फिर दस लाख हो गए थे तो ये जो इतने बड़े बच्चे हैं इनको हम लोग कट शॉर्ट करें और उसके बाद जो स्क्रीनिंग हो चुकी है बच्चों की उनका एक टेस्ट लें और फिर उनको हम लोग आई में भेजें तो सेम यहाँ पे भी होगा एम्स पहले अपनी सेपरेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती थी उसमें अपियर होने का एक क्राइटेरिया था एक कट ऑफ था पहले ए आई होती थी और फिर एम्स में एंटर होने के लिए एम्स खुद अपने पेपर कंडक्ट करता था जो बहुत क्वालिटी क्वेश्चन होते थे एम्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि एम्स के फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते थे जो जेडबल एडवांस के कंपैरिजन के होते थे मजेदार मतलब एम्स की जैसे नॉर्मल ए आई के लेक्चर्स लेने जब मैं जाता था तो मुझे अगर फॉर एग्जांपल आधे घंटे की तैयारी करनी पड़ रही है तो एम्स की क्लास में अगर मुझे डेढ़ घंटे दो घंटे पढ़ाना है तो मुझे दो ढाई घंटे बैठ के पहले पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते थे इतना मज़ा आता था अलग लेवल पे कॉन्सेप्चुअल सारी चीजें चलती थी वहां पे तो हाँ जे जे डब्लू मेन्स मॉडल पे शिफ्ट होने की पूरी पूरी संभावनाएं लग रही है एक पेपर डेफिनेटली पेन पेपर पे होगा जिसमें आपकी स्क्रीनिंग हो जाएगी जिसको आप स्क्रीनिंग कह सकते हैं ठीक है या तो एक प्री पेपर और मेंस पेपर कह सकते हैं जैसा यूपीएससी में होता है जहां पे भी मास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वहां पे आपको ये मॉडल पे शिफ्ट होना पड़ेगा और दूसरी बात आती है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अब सीधी सी बात है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हमने छब्बीस लाख ,00 बच्चों की कहीं पे भी करवाई नहीं है इंडिया में छब्बीस लाख ,00 बच्चों की एक साथ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं होती है ना हुई है तो इसमें कई लूप होल्स निकल सकते हैं और फिर पंगा आ सकता है इसलिए इमीडिएटली इस साल तो ऐसा नहीं लग रहा है मुझे कि सारे बच्चों को कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पे शिफ्ट कर देंगे एक रियलिस्टिक बात जो लग रही है वो यही है कि हाँ एक पेपर पेन पेपर हो सकता है एक कंप्यूटर बेस्ड होगा अब कौन सी एजेंसी कौन सी बॉडी किसको कंडक्ट करवाएगी उस पर भी अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है लेकिन जो प्राइमा फेस ही लग रहा है कि पहले सी बी एस कंडक्ट करवाती थी और कई सालों से एन टी नीट कंडक्ट करवा रही है तो जो पहला पेपर होगा पेन पेपर बेस्ड क्योंकि इन लोगों को काफ़ी सालों से सा आइडिया भी है तो ये लोग करवाएंगे पेन पेपर बेस्ड और उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड जो पेपर है जो कि मतलब एक तरह से आपका एडवांस्ड होगा जो कि क्वालिफाइंग आपका मेन पेपर होगा वो एम्स को ही करवाना चाहिए ये दिल इच्छा है क्योंकि इसमें आप मान के चलो मार्जिन ऑफ एरर बहुत 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 कम है और इसके देख चुके ना यार इसके लेवल ऑफ क्वेश्चन इनकी इंटेलेक्ट सारी चीज़ों पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है आपको वाकई में तैयारी में मजा आ जाएगा अगर ऐसा हो जाता है तो सो आई वांट यू कि आप विश करो कि ऐसा ही हो और पेपर टफ बने क्वालिटी पेपर बने ताकि जो फर्जी वाला फैल रहा है ना ये हटे बिल्कुल बीच में से हमको बहुत ज़्यादा क्राउड भी नहीं चाहिए छब्बीस लाख बच्चे क्यों चाहिए यार सीधी सी बात है कि हर बच्चा जो तैयारी कर रहा है ना उसका टारगेट नहीं है उसका पैशन नहीं है एम्स उसका टारगेट डॉक्टर बनना नहीं है बहुत सारा क्राउड इसलिए आ जाता है क्योंकि उसको लगता है कि चलो इसी इसी ज़रिए मैं जो है बहुत सारा पैसा कमा लूंगा दे डोंट इवन दे आर नॉट इवन कंसर्न अबाउट दिस वर्क तो हमें वही लोग चाहिए एटलीस्ट मेडिकल सर्विसेज में हम कम बच्चों को पढ़ाएंगे हमें क्लास में एक लाख बच्चा नहीं चाहिए हमें क्लास में पांच सौ बच्चा चाहिए कम बच्चे को पढ़ाएंगे लेकिन उनमें से क्वालिटी लोग निकलेंगे सिलेक्शन रेशो बढ़ना चाहिए ना सीधी सी बात है कि जो इच्छुक लोग हैं जो ये करना चाहे वही आए वो अपना हजार प्रतिशत दें और उसमें से हम सिलेक्टेड लोगों को निकालें और वो देश की सेवा करें यही आइडियल मॉडल होता है बजाय इसके कि हम ढिंडोरा पीट दें कि चलो मेडिकल में तो इतना पैसा है डॉक्टर बनके इतना पैसा छाप लोगे तो पूरी की पूरी टुल्लर आ गई सबके सब आ गए एग्जाम की तैयारी करवाने फिर उसमें लीक हो रहा है गड़बड़ियाँ हो रही हैं किसी बहुत अमीर बाप की औलाद को जो है बिना बिना मेहनत के पे सीट्स मिल रही हैं ये सब गलत है इस सब पे रोक लगनी चाहिए तो मुझे लगता है पैटर्न में ये चेंजेस से जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो रही है अपार्ट फ्रॉम दिस फिजिक्स की अगर मैं आपको बात बताऊं तो फिजिक्स में इस बार ऐसा हुआ है कि रेडियो एक्टिविटी पे उन्होंने बोला कि डिलीटेड है लेकिन सवाल दे दिया है ना इस बार नहीं होगा क्योंकि वो जो पॉइंट था उसका भी क्रिटिसिज्म हुआ है उस पर भी पटिशन गई है जवाब देना पड़ता है ना यार डेमोक्रेसी का समय सोशल मीडिया का समय है आज अगर हम लोग कोचिंग में कह देते हैं कि आपको इस टॉपिक में से टेस्ट नहीं मिलेगा और टेस्ट में वो सवाल आ जाए तो आप बोलते हो कि सर आपने तो बोला था नहीं है सेम विध नीट NTA जब दे देता है गलत क्वेश्चन या तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन उसको भी जवाब देने पड़ते हैं दे आर तो एक क्वेश्चन ऐसा हुआ था जो डिलीटेड में से था लेकिन इस बार एक भी ऐसा नहीं होगा जो डिलीटेड में से होगा पूरा सिलेबस मैंने आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज टेलीग्राम पे डाल दिया है अब टेलीग्राम मेरे नाम से है जाके देखें आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा रक्स में बताऊं तो जो पिछली बार का था फिजिक्स में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं है और हाँ मैं कभी कोई बुक रेफर नहीं करता हूं मैं सिर्फ ये कहता हूं कि मेरे नोट्स पढ़ो क्योंकि मेरे नोट्स एनसीआर एच सी वर्मा डी सी पांडे रसनिक हेलेडी ये जितनी किताब है इनके जो पूरे सोल है ना इनकी जो आत्मा है वो निकाल के मैं आपको देता हूँ नोट्स में आप नोट्स करो आपको कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है ये मैं ओपनली कह रहा हूँ एंड आई मीन इट क्योंकि इस बार जो फिजिक्स के एक क्वेश्चन में गलती हुई मैं सौ प्रतिशत कॉन्फिडेंट था कि इसका क्या आंसर होगा और सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दिन जज साहब ने भी यही बोला कि अगर किताब में गलत दिया तो हम उसको थोड़ी सही मानेंगे फंडामेंटल्स पे जाएंगे हम यार फिजिक्स की बात कर रहे हो यू आर टॉकिंग अबाउट फिजिक्स मैन अगर एनसीआर में लिखा है कि F है कि एफ इक्वल टू एम ए स्क्वायर तो क्या वो सही हो जाएगा नहीं अरे अगर कोई फंडामेंटली गलत बात लिखी है तो वो गलत है और आई बिलीव इन फंडामेंटल्स तो आपको सिर्फ अपने नोट्स फॉलो करने ठीक है, है? चलिए तो इसके बाद बात आती है कि सर अभी हमारे लिए क्या चल रहा है क्या कोर्सेज है तो जो भी आपके कोर्सेज है आर ट्रिपल नाइन दिस इज द लोएस्ट प्राइस ऑफ ईयर और ये वैलिड है इकतीस जुलाई तक तो यदि इकतीस जुलाई तक आप इसकी परचेजिंग करते हैं तो आपको मिलता है इस पर्टिकुलर प्राइस में लेकिन आपको यूज करना पड़ता है वहां पे कोड कोड कौन सा होता है भैया अगर आप ये कोड यूज करते हो लाइव तो इस अमाउंट में आपको ये बैच मिलती है कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर आप बताते हो प्राइस कुछ और हम जब जाते हैं तब प्राइस कुछ और दिखती है क्योंकि वहां पे कोड का ऑप्शन आता है आप उसको यूज नहीं करते हो इफ़ यू डोंट यूज दैट प्राइस यहाँ पे शायद आपको बारह हज़ार या चौदह हज़ार जो भी होती है सिस्टम जनरेटेड वो दिखती है ठीक है ओके अपार्ट फ्रॉम दिस जस्ट अ सेकेंड अब इसको क्या हो गया हाँ जी चलिए तो कुछ ऐसे फीचर्स जो कि आपको आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को काफी ज़्यादा इंप्रूव करेंगे वो दो तीन में हाईलाइट कर रहा हूँ सबसे महत्वपूर्ण फीचर जो मुझे लगता है वो है रेज एंड इन क्लास क्लास रूम में आप हैंड रेज करके डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं डाउट्स पूछ सकते हैं क्ला... पूरी क्लैरिटी जनरेट कर सकते हैं सेकंड थिंग इज कि हर लेक्चर में हर टेस्ट के बाद आपको पूरा प्रॉपर एनालिसिस और वीडियो अपना लीडर बोर्ड दिखता है तीसरी चीज है मेंटोरशिप ग्रुप जो कि

ये टीचर्स के ग्रुप आपके सामने है और आपको एक ग्रुप नहीं एक टीम नहीं कुल मिला के छह टीम ऑफ टीचर्स मिलती है जिसमें आपको ये फ्रीडम है कि आपको जिस टीम से जो टीचर से जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो पढ़ सकते हो मतलब फिजिक्स वाले से फिजिक्स बायो से बायो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है सर हमको तो जो है मटेरियल हाथ में चाहिए मतलब जो डीपीपी होती है ना उसमें मजा नहीं आता है हमको तो फिजिकल मटेरियल चाहिए आइकॉनिक इज फॉर यू आपके घर पे पूरा सेट भिजवा देंगे कुछ नॉमिनल सा अमाउंट जो है प्लस में एड हो जाता है मतलब ये अगर साढ़े चार हज़ार पाँच हज़ार है तो उसमें कुछ डेढ़ एक दो हज़ार बढ़ जाएंगे प्रो में आपको पूरे ऑफलाइन के फीचर्स मिल रहे हैं एट अ वेरी वेरी नॉमिनल कॉस्ट सर हमें ऑफलाइन ही जाके पढ़ना है हमको तो जो है तब फील आती है जब टीचर हमारे सामने हो हमको उसी के साथ में रह कर उसी की छत्र छाए में पढ़ना है तो ये आपके लिए है ऑफलाइन भारत के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे सेंटर्स में है ऑफ़लाइन और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे बहुत जल्दी आ रहा है देखिए ऑफलाइन में आप जाइए आप वहाँ पे जाके बताइए कि हमको जो है एडमिशन चाहिए और हमारे लिए आप क्या बेस्ट कर सकते हैं आप क्लियरली बात करो बताओ कि सर हमको जो है फीस में रिडक्शन चाहिए तो वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ नाइन्टी परसेंट तक बच्चों को स्कॉलरशिप दी है मतलब अगर टेंटेटिवलीट से कि एक लाख रुपये की फीस है अगर है ना तो उसमें बच्चों को हार्डली दस से पंद्रह हज़ार रुपये में तक ऑफलाइन के एडमिशन दिए हैं उसके लिए अलग अलग सोर्सेज होते हैं जैसे जब लगता है कि किसी को वाकई में बहुत ज्यादा जरूरत है तो आपके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट है आप स्कॉलरशिप टेस्ट में जाइए अनएकेडमी स्कॉलरशिप टेस्ट होता है अपार्ट फ्रॉम दैट आप जाके डायरेक्टली जो वहाँ पे काउंसिलर्स हैं जो वहाँ पे अकेडमिक हेड हैं सेंटर हेड हैं आप उनसे जाके बात कीजिए रिक्वेस्ट कीजिए दे वुड डेफिनेटली हेल्प यू दे वुड डू द बेस्ट दैट दे कैन ओके सो या दैट्स इट थैंक यू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन ओके गुड बाय